तो गाइस अभी हम लोग आए हैं लाहौर मीनारे पाकिस्तान देखने और साथ ही साथ और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने, और उनके हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी। सो लेट्स बिगिन। गाइस आज हम पहुंचे हैं बागों, कॉलेजों और तारीखी इमारतों के शहर लाहौर में, जहां हम आपको मीनारे पाकिस्तान, शाही किला, लाहौर बादशाही मस्जिद, शायरे मशरक, डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल के मकबरा और इन्हीं इमारतों के साथ जुड़ी हुई सिख कौम की मजहबी इबादत गाह यानी टेंपल की सैर करवाएंगे। सबसे पहले यादगार पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान और ग्रेटर इकबाल के बारे में बताते हैं कि ये मीनार 1960 में तैमीर किया गया था, मगर एन इसी जगह पर 23 मार्च 1940 को बाबाए कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने तारीखी जलसा किया और लाहौर रेजोल्यूशन पास करवाई, जिसे बाद में किरार दादे पाकिस्तान का नाम दिया गया। गाइस इस मीनार की हाइट है 196 फीट और 6 इंच और इसका डिज़ाइन बड़ा मुख्तलिफ और आला है। इस डिज़ाइन को हाइपरबोला डिज़ाइन कहते हैं। इस मीनार के नीचे बुनियाद वाली जगह तो ऐसी लगती है जैसे फूल की पत्तियां होती हैं। ये पत्तियां या तख्तियां तादाद में 19 हैं, जिन पर करारदादे पाकिस्तान, करारदादे दहली, कौमी तराना, अल्लाह ताला के 99 सिफाती, कायदे आजम की तकारीर के डिफरेंट पार्ट्स, इलामा इकबाल के आशार और फिर कुरान मजीद की आयात तहरीर की गई हैं। और गाइस मोर इन्फॉर्मेशन ये है कि इन तख्तियों पर कोलीग्राफी पॉपुलर एंड फेमस कोलीग्राफर्स ने की है, जिनमें मोहम्मद यूसुफ सदीदी, सूफी खुर्शीद आलम खुर्शीद रकम, मोहम्मद सदीक अलमास रकम और इकबाल इब्न परवीन रकम ने अंजाम दी है। मीनारे पाकिस्तान को देखने पूरी दुनिया से टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं। तो गाइस अभी दूसरी हिस्टोरिकल प्लेस पे चलते हैं, यानी कि शाही किला और वो रहा बादशाही मस्जिद, तो दोनों जगह पास हैं। तो पहले हम लोग जाने वाले हैं शाही किला, बाद में हम जाएंगे बादशाही मस्जिद। तो चलो गाइस हमने टिकट्स तो ले लिए, अभी हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके थोड़ी बहुत सैर करते हैं। छोटे होते तो मैं आया था यहाँ पर, लेकिन अभी व्लॉग बनाने के लिए तो मैं स्पेशल आया हूँ। ब्यूटीफुल एंड ह्यूज फोर्ट। तो गाइज हमें इन तमाम ब्रेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने बनाया है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के टूरिस्ट इन्हें देखने आते हैं। तो गाइज इसका टोटल एरिया 120 एकड़ है। तो गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किसने बनवाया और इतनी मेहनत किसने की होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ, ये बनवाया है बादशाह अकबर ने। गाइज आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये एक दो साल नहीं बल्कि पूरे 50 सालों में बना, यानी तकरीबन हाफ सेंचुरी होएगा। अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो इस किले की इमारत 1556 में शुरू हुई और 1605 में मुकम्मल हुई। इस किले में शीश महल, दीवान खास, दीवान आम, कुतुब खाना, तोप खाना, बारूद खाना, आलमगीरी गेट, नौलखा, मोती मस्जिद, मजबूत और ऊंची दीवारें, कई सुरंगें और ख़ूबसूरत फवानों के साथ खूबसूरत बागात एक जन्नत का नज़ारा पेश करते हैं। तो गाइस अगर आज के ज़माने में शाही पुलिस होती तो वो कैसा बिहेव करती, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। सामने देखो, बताओ यहाँ किस मकसद के लिए आए हो और इनके साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए इनको, क्या कर दिया? छोड़ दिया जाए, हम भी यही चाहते हैं। महंगाई का दौर है, हम इनको ज्यादा क्या कर ही रख सकते, हम इनको आजाद करते हैं, साथ ही ले जाओ, चले जाओ, जाओ। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं बादशाही मस्जिद में। ये एक दरवाज़ा है जो कनेक्ट करता है दोनों चीज़ों को, यहाँ वो जो बैक साइड है उस दरवाज़े की वहाँ पर शाही किला, और जब वो दरवाज़ा खोलेंगे तो यहाँ पे आता है बादशाही मस्जिद। तो गाइस यहाँ पर ना बहुत, यहाँ पर बहुत
जहाँ से हम एंटर एंटर हुए थे यहाँ से, और जो जो उसका राइट राइट एंड ना उधर से ही एंटर हुए। मुझे तो पता ही नहीं था। गाइस, बादशाही मस्जिद और शाही किला के बीच जो बाग है, इसमें किस्सा गोई होती है जिसमें आजकल लोग दास्तानें सुनाई जाती हैं, इसलिए इसे हीर गोई का बाग भी कहा जाने लगा। और इसमें हीर रांझा की मशहूर लोक दास्तान सुनाई जाती हैं। बादशाही मस्जिद दुनिया की पांचवी बड़ी और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है। इसे 1671 में तमीर करना शुरू किया गया और 1673 में ये मुकम्मल हुई। गाइज, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इस मस्जिद में 100,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। गाइज, आपको पता है कि ये मस्जिद किसने बनवाई? अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूँ, ये मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाई थी। तो गाइज, एक बात और, ये मस्जिद 313 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का इजाज़ हासिल कर चुकी है। बादशाही मस्जिद के बाएं दरवाजे के साथ डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल का मकबरा भी है। आपने टू नेशनल थ्योरी पेश किया और अपनी शायरी से मुसलमानों को बेहतर किया। खुदा ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। तो गाइस, आप जो सामने इस टेंपल को देख रहे हैं, इस टेंपल का नाम है समाधि रंजीत सिंह महाराजा।